हिमाचल प्रदेश में हुए स्वास्थ्य विभाग के घोटाले पीपी किट घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस ने मिनी सचिवालय के बाहर सोलन में प्रदर्शन किया और इसके बाद एक ज्ञापन उपायुक्त सोलन केसी चमन के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और नारेबाजी की। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयराम ठाकुर। आज सोलन युवा कांग्रेस के द्वारा हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कहा अनुसार आज माननीय राज्यपाल महोदय जी को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि आपको ज्ञान है कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से जो घोटाला पीपी किट का और जो प्रदेश में वेंटिलेटर और दूसरे स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला उजागर हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से आज ये पूछना चाहूँगा कि जो निर्देशक स्वास्थ्य मंत्री जो कि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है, उनके अधीन कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके उल्टा जो इस्तीफा दिया वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया अपने उससे, जो प्रदेश के देवभूमि को शर्मसार करने वाली बात है। और हमारी यूथ कांग्रेस की मांग है कि जो इसकी घोटाले की जो जांच है प्रदेश के हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, विजिलेंस से ना कराई जाए। विजिलेंस पे भी हमारी भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं विजिलेंस जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन रहती है, उन पर उनका दबाव रहता है। इसलिए यूथ कांग्रेस की मांग है कि पहले तो माननीय मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और इस पूरे घोटाले की जो जांच है वो सिटिंग हाईकोर्ट के जज से कराई जाए।